नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बीआर चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग सीएससी आईडी से पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आप लोग वहां पे सिग्नेचर फोटो अपलोड करने के लिए जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जब वहाँ पे अपलोड करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है, वहाँ पे हटा दिया जाता है। तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा जानकारी मैं आप लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप नहीं तो आपको बाद में दिक्कत परेशानी हो सकता है। ओके, पूरा सोल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग इस इरर को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं आप लोग को इस इरर को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सीएससी आईडी जो है आपका वो लॉगिन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिलेगा सर्च, यहाँ पे सर्विस जो है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च का बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मेरा माउस का कर्सर जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना है पेन, इस तरह से सर्च करना है। तो यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, आपको सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। ओके, चलिए मैं इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यूटीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक हर पे क्लिक करना, ये रेड वाले बटन पे क्लिक करना है। ओके, जो कि बियाली यूजर के लिए होता है। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोग अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड यहाँ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई न्यू पैन, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जब पैसा कटने के बाद आपको जैसे यहाँ से अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट। ओके, तो चलिए यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा खुद इंटरफेस आया। ओके, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी इस तरह से इंटरफेस आता है तो आप लोग भी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहां पे पहले अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं मैं, अपलोड डॉक्यूमेंट पे, चलिए इस पे क्लिक करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नो केसेस आर पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। ओके, इस तरह से इंटरफेस आता होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन ही हट गया, तो आप लोग सोचते हैं भाई कि अब मैं पैन कार्ड उस व्यक्ति को कैसे अप्लाई करूंगा, अप्लाई तो हो गया बट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ। तो डॉक्यूमेंट अपलोड जब तक नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति का पैन कार्ड उसके घर पर नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ रहा था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सो आना है, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ पैन ऑब्जेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ मिल जाएगा फाइंड अप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन। ओके, अंडर ऑब्जेक्शन पे इस पर क्लिक करना, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे ऑब्जेक्शन डिटेल्स यहाँ दिया गया। ओके फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर फोटो यहाँ पे जैसे अपलोड नहीं किया गया। ओके, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स मिलेगा यहाँ पे एडिट पे, तो एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपको जो है सो फॉर्म ओपन हो जाएगा, सिर्फ नेक्स्ट करते चले जाना है। ओके फ्रेंड्स, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करते चले जाना है। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्लिक किया। ओके, फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नीचे आके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा ये ओके का, तो फिर से आना है आपको और यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तभी नेक्स्ट होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे जैसे कुछ नहीं करेंगे इसमें छेड़छाड़, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, एंटर रेसिडेंट्स टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो। यहाँ पे चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना। ओके, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है देख सकते फ्रेंड्स, नीचे फिर आना है, फिर नेक्स्ट करना है, इसी तरह नेक्स्ट करते चले जाना, फिर आना है नीचे, फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जिस तरह से आपको पहली बार करते हैं अप्लाई करते टाइम। ओके, तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक किया, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका रिसीविंग और पीडीएफ जो होता है डाउनलोड फॉर्म, वो फॉर्म भी आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं रिसीविंग है, क्योंकि इस तरह से पहली बार जो आप करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करके आप लोग दे सकते हैं, जो कि कस्टमर का आप लोग दे चुके होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म जो कि आप लोग करके, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फिर आना है पैन कार्ड के ऑफिशियल यूटीआई पे। ओके, बैक आने के बाद यहाँ पे आना है यूटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बाद यहाँ पे फिर जाना है अप्लाई न्यू पैन कार्ड पे। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अपलोड वाले सिस्टम पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करता हूँ यहाँ,
तो देख सकते हैं फिर भी उसी तरह आ रहा है। तो आपको यहाँ से अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देख पैन ऑब्जेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड टू क्लियर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। चलिए इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टेटस में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना अपलोड पे, और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पेन फॉर्म और यहाँ पे पिक्चर और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड पे क्लिक करके कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आपके पास इंटरफेस आता है तो इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे ओके फ्रेंड्स। चलिए अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करिए ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। चलिए तब तक के